पिछले 2 दिनों से हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक दिन हमने बात की क्लासिफिकेशन के बारे में, और फिर हमने सर, बात की इसकी कुछ जो जनरल प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। हाँ बेटा बोलो, कुछ कहना है बेटा? अगर कुछ कहना नहीं है तो अपना माइक ऑफ रखो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अमोनिया सॉल्वेंट के बारे में, कि लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट क्या है और किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन एक्वो सॉल्वेंट की तरह काम आता है आफ्टर वाटर। हम इसको काफी ज्यादा सॉल्यूशंस को बनाने में इसको यूज करेंगे, और ये एक प्रोटोनिक या प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है, और जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम प्रोटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ये प्रोटिक है, और पानी के जैसी ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी होती है, जैसे कि पानी के जैसा ही इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है? या तो फ्लोरीन उसमें हो, या ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजिली बना लेते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है ना। हालांकि इसकी जो नाइट्रोजन बॉन्ड सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर से क्या है, वीकर है, ठीक है। वाटर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, और नाइट्रोजन जो है वो कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अमोनिया का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो बहुत कम होता है। अगर हम इसके डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की बात करें तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैंने कल भी बताया था कि अमोनिया का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट केवल 22 होता है, और वाटर का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो 80 के करीब होता है, ठीक है ना। इसलिए ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट है, और वाटर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट है। अमोनिया लेस विस्कस होता है, मतलब कि इसकी फ्लूडिटी जो है वो फ्लूडिटी ज्यादा होती है, ज्यादा तरल होता है, ज्यादा इजिली बहता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर मोबिलिटी इसमें होती है, जिससे इलेक्ट्रिक अगर करंट इसमें पास किया जाए, ठीक है ना, अमोनिया का अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन लें और वहां पे करंट पास करें तो ज्यादा अच्छे से करंट पास होती है बजाय वाटर के। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो इसकी बेटर होती है, किससे? वाटर से। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है, और ऐसे ही इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, जबकि वाटर जो है उसका वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होने की वजह से आप बता सकते हो कि एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है ना। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, जो एक पिरामिड के जैसा होता है, और जो लोन पेयर होता है वो इसके ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है लोन पेयर। और नाइट्रोजन जो है वो इस लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है, और डोनेट करके क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि वाटर बना सकता है, इस तरह से ये भी बना सकता है। और वाटर और अमोनिया दोनों ही ऑटो आयनाइजेशन दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि सॉल्वोलाइसिस की जो टेंडेंसी है वो इन दोनों में होती है, लेकिन अमोनिया जो है वो कम सॉल्वोलाइसिस दिखाता है बजाय वाटर के, ठीक है। वाटर के अंदर जो ऑटो आयनाइजेशन है वो ज्यादा होता है, और अमोनिया में कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अमोनिया जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अमोनिया का वो होता है -33 डिग्री। और -33 डिग्री तो इसका मतलब ये है कि इतना कम टेम्परेचर है, सोचो कि -33, और यहां पर ये बॉइल होना शुरू हो जाता है, ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी जो रेंज है वो तकरीबन -76 डिग्री सेल्सियस से -33 डिग्री सेल्सियस होती है, मतलब इसके बीच में ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी हैंडलिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है,
क्योंकि इतना कम टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा जब भी आप अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट आप यूज करोगे। साथ में अमोनिया जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वो होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होती है या वाटर प्रेजेंट होता है उसको, उसके साथ में रिएक्ट कर लें या उसको एब्जॉर्ब कर लें, तो उसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि इन बरसातों के दिनों में घर में रखा जो नमक है, जो NaCl आपका होता है, वो कैसा हो जाता है, सील जाता है, वो वाटर का जो मॉइस्चर है, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये गीला गीला सा NaCl हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो भी होंगे वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जिसकी वजह से वो लिक्विड, ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर वहां मॉइस्चर अगर आ जाता है तो वो लिक्विडिटी हो जाती है। ऐसे यहाँ पर अगर अमोनिया आपके पास में प्रेजेंट है और अगर वाटर प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में, तो वाटर आपको मालूम है क्या करता है, वाटर H+ आयन और OH- आयन के अंदर डिजॉल्व रहता है, तो ये अमोनिया इसके पास में लोन पेयर होता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, जो H+ आयन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले, तो ये जो H+ आयन निकला है इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेता है, NH4+ फॉर्म कर देगा, ठीक है ना, और जो हाइड्रोक्सिल है तो ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी नेचर को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, तो अमोनिया हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो ये सारी की सारी कुछ प्रॉपर्टीज वो थी जो हमने देखी कि एज अ सॉल्वेंट क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और वाटर के जैसी इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, या उससे ज्यादा है या उससे उन प्रॉपर्टी कुछ कम है। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, है ना, जिसमें से कुछ की हम बात कर चुके हैं और कुछ की और बात करेंगे, जिसमें एक प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है, लिक्विड अमोनिया काफी सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जैसे कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम लें, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो इसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट काफी ज्यादा है, 22 डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमें यहां पर मिलता है, लेकिन 22 वाटर के कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इस वजह से इसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें डिसॉल्व नहीं होते। क्यों, क्योंकि वाटर की तुलना में ये एक पुअर सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, कम है। तो चाहे हम ऑक्साइड्स की बात करें, हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, या सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट, सल्फाइड्स, इवन सल्फाइड्स भी, वो इसके अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं। क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन फिर सॉल्युबल कौन रहेगा, तो सॉल्युबल रहते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, वो नाइट्रेट्स इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, थायोसाइनाइड्स जो होते हैं वो इसके अंदर सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है ना, या साइनाइड्स जो हैं वो इसके अंदर सॉल्युबल रहते हैं, या फिर हैलाइड्स जो हैं, ठीक है, वो इसके अंदर सॉल्युबल रहते हैं। और हैलाइड्स का तो ऐसा है कि हैलाइड्स आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से रहते हैं, तो इनकी अगर ऑर्डर देखें इनकी सॉल्युबिलिटी का, तो आयोडाइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और ब्रोमाइड जो है वो उससे कम, और फ्लोराइड सबसे कम सॉल्युबल होते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, बट कुछ ही ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जिनको ये डिजोल्व करता है, जिसमें नाइट्रेट, थायोसाइनाइड, साइनाइड्स या हैलाइड्स होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो देखो ये खुद जो है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कम है, तो पोलर तो है लेकिन इतना ज्यादा पोलर नेचर इसका होता नहीं है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि एल्कोहल्स हैं, हैलोजन कंपाउंड्स हैं, कीटोन्स हैं, ईस्टर्स हैं, ईथर्स हैं, फिनॉल्स हैं, सब इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर कम डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि वो हाईली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इसलिए अमोनिया में स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं या पार्टली सॉल्युबल होते हैं। बाकी के जो हमने अब तक जो बताए वो सारे के सारे इसमें काफी अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर यहां पर हम बात करें नॉन मेटल्स की, कि अगर
नॉन मेटल्स इसके साथ में रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो देखो अमोनिया के अंदर नॉन मेटल्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व जो होते हैं वो इस कैसे होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके होते हैं। पहले उसके साथ रिएक्ट करते हैं और फिर जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो उसकी अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है उसको खो देंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अमोनिया हो और हमने उसके अंदर एक नॉन मेटल है जैसे कि सल्फर, है ना, जो एसिड फॉर्म में होता है, और इसको अगर हम डिसॉल्व करें तो ये क्या बनाता है, ये टेट्रा नाइट्रोजन टेट्रा सल्फाइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको और साथ में क्या बनाएगा, साथ में ये डाई अमोनियम सल्फाइड भी बनाएगा, डाई अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, सो इसको अगर हम करें बैलेंस तो 8 है ना, 8 है तो एक सेकेंड। सोलह हो गए, और सल्फर कितने हैं मेरे पास, सल्फर हमारे पास 6 और 2 10, 10 का मतलब हो गया यहाँ लिया तो पार्ट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन जो है उसके थे। तो यहाँ पर ये क्या किया है, अमोनिया ने इसको अपने अंदर डिसॉल्व किया है लेकिन रिएक्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिमेंटल सल्फर है वो यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके साथ में रिएक्ट करके फिर डिसॉल्व ये कर लेता है। इसी तरह से अमोनिया जो है वो ऑटो आयनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको भी शो करता है। ऑटो आयनाइजेशन कल हम देख चुके हैं, जहां पर अमोनिया जो है वो उसका दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल वो क्या करता है, इसका एक एच प्लस निकलता है और ये क्या बना लेता है, एमाइड आयन बना लेता है, और ये जो एच प्लस आयन निकलेगा वो ये लेकर के अमोनियम आयन फॉर्म कर देगा। ठीक है ना, तो ये अमोनियम आयन। तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स होंगे जो अमोनियम आयन देते हैं, ठीक है ना, वो कहलाते हैं अमोनो एसिड्स। अमोनो एसिड्स जो भी एच प्लस अमोनियम आयन देंगे उनको हम अमोनो एसिड्स बोलते हैं, और जो भी सब्सटेंसेस एमाइड आयन देंगे उसको हम बोलेंगे अमोनो बेस, अमोनो बेस। ठीक है, और इन दोनों की अगर आपस में रिएक्शन हो जाए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि एमाइड आयन और अमोनियम आयन मतलब कि एक एसिड है और एक बेस, तो क्या बनाता है, वापस से सॉल्वेंट बना लेता है। ठीक है ना, जैसे कि एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन मिलकर के वापस से वाटर बना लेता था, इसी तरह से ये वापस से क्या बना लेता है, ये यहाँ पे बना लेगा। ठीक है, साथ में अगर ये अमोनो एसिड्स और अमोनो बेसिस मिल जाएं तो साथ में क्या देते हैं, अमोनो सॉल्ट्स देते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन हम तब देखेंगे जब इसकी हम एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, तो एक प्रॉपर्टी होती है इसकी जैसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन तो कल भी हमने बात की थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर कोई भी जो चीज है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है उसके बेस पर, अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो वो प्रेसिपिटेट बना करके अलग हो जाता है, और अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो जो अमोनिया में प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर लें KI और इसकी रिएक्शन करवा दें हम अमोनियम क्लोराइड के साथ में, है ना, किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिक्विड अमोनिया डालेंगे। ये दोनों हमने लिए और इसके अंदर लिक्विड अमोनिया डाला और उसका सॉल्यूशन बनाना शुरू किया। तो सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये NH4+ और Cl- बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये K+ और आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, ये जो K+ है ये इस Cl- के साथ में रिएक्शन करके मतलब अटैच होकर के Ki फॉर्म कर देगा, और जो अमोनियम आयन है ये इस आयोडाइड के साथ में अमोनियम
आयोडाइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में ये जो Ki है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। इसी तरह से और आप रिएक्शन कर सकते हो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है इसका, ये जो है ना ये व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसी तरह से और भी कई सारी रिएक्शंस देख सकते हो, जैसे कि एक रिएक्शन आप देख सकते हो कि अगर आप जैसे अभी हमने एक वो देखा था डाई अमोनियम सल्फाइड, ये डाई अमोनियम सल्फाइड लें और इसको अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करा दें, ठीक है, और सॉल्यूशन हम किसके साथ बनाएं, लिक्विड अमोनिया के साथ में अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ में, तो क्या करेगा ये जो Ag प्लस है इस सल्फाइड के साथ में, ठीक है ना, तो क्या बना लेगा Ag2S, और साथ में जो अमोनियम है वो इस नाइट्राइड के साथ में अमोनियम नाइट्राइड बना लेगा। तो ये अमोनियम नाइट्राइड बना लेगा, है ना। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है ये सिल्वर सल्फाइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें नहीं होती। तो ये तो सॉल्युबल रहता है अमोनिया में, ये सॉल्युबल नहीं रहता है, इसलिए प्रेसिपिटेट के फॉर्म के रूप में अलग हो जाता है। तो इस तरह से कई सारी रिएक्शंस आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देख सकते हो। एक अमोनिया जो है वो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना, दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो अमोनिया की स्ट्रांग टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को लेने की, और प्रोटॉन अगर कहीं से पिक कर रहा है कोई, ठीक है ना, तो उसके हम क्या कहते हैं बेस। तो अगर हम वाटर के अंदर अमोनिया का सॉल्यूशन बनाएं कि हम वाटर डालें और अमोनिया उसके अंदर मिलाएं तो क्या बनेगा, क्या बनता है। तो देखो वाटर को अगर हम देखें तो वाटर होता है कुछ इस तरह से, एच प्लस आयन बनाएगा और ओ एच माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। अब अमोनिया भी हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो अमोनिया क्या करेगा, इसके पास में लोन पेयर है तो ये इस एच प्लस आयन को अपने पास में ले लेगा, तो ये यहां पर H प्लस आयन के साथ में रिएक्ट करेगा और साथ में क्या बना देगा, ये जो अमोनियम है ये आयन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम कंबाइन कर दें यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये देखो ये तो दोनों इस तरफ और इस तरफ है, इस कट जाएंगे, तो ये अमोनिया और वाटर मिलकर के क्या बनाया, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। तो इस तरह से अमोनिया ने यहाँ पे ये बना लिया। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करें कुछ रिएक्शंस के थ्रू कि इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, तो जैसे मान लो कि एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं। हमने इस रिएक्शन को पहले भी एक बार देखा था जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो अगर इस तरह की रिएक्शन अगर हम देखें तो आपको पता है कि अमोनिया की टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब यह है कि ये इसके एच प्लस आयन को इजीली निकाल लेगा और यहां एसिटेट आयन फॉर्म हो जाएगा और क्या बना लेगा, ये अमोनियम आयन बना लेगा, ठीक है ना, ये अमोनियम। तो यहां ये बेस की तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया इसके ज्यादा से ज्यादा एच प्लस आयन जो भी निकलेंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अमोनियम आयन बना रहा है। तो जितने भी एच प्लस आयन यहां से निकल रहे हैं सबको ले रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा क्योंकि ज्यादा एच प्लस आयन ये यहाँ पर रिमूव करेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हमने एक एसिटामाइड का एग्जाम्पल देखा था कि ये एसिटामाइड हमने लिया था और यहाँ पर हमने अमोनिया के साथ में अगर इसको ट्रीट कराया, तो अमोनिया की टेंडेंसी क्या होती है, अमोनिया की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर वो सॉरी प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट करने की। तो यहां पर अगर ये प्रोटॉन आयन देता है तो ये क्या बना लेगा, ये इस तरीके से CH3CONH ये फॉर्म कर लेगा और अमोनिया जो है वो एच प्लस आयन को लेकर के ये बना लेगा। लेकिन यहां पर आप देखो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यहां पर जब हम इसके साथ में एसिटामाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एसिटामाइड क्या कर रहा है, वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी खुद की टेंडेंसी भी क्या होती है यहाँ पर एच प्लस आयन को लेने की होती है, इसके पास में भी लोन पेयर होते हैं, तो ये आसानी से एच प्लस आयन नहीं देता, तो ये वीक बेस जो है उसकी तरह बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ ये
स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यहां पर ये क्या करने लगेगा, वीक बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसके प्रोटॉन के बेस पर जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से एक रिएक्शन होती है जिसको हमने कहा था कि एमोनेशन रिएक्शन, जैसे हाइड्रेशन रिएक्शन होती थी जिसमें हाइड्रेट्स बनते थे, ऐसे ही अगर अमोनिया के साथ में उस रिएक्शन को करवाते हैं तो वो रिएक्शन क्या होंगी, वो रिएक्शन होंगी आपकी एमोनेशन रिएक्शंस, एमोनेशन रिएक्शंस, यहां पर बनेंगे एमोनेट्स, एमोनेट्स, ठीक है ना। अब एमोनेट्स कब बनते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी सॉल्यूट के साथ में किसी सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूट है उसके चारों तरफ उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि हमने वाटर के केस में देखा था कि Na+ और इसके चारों तरफ कौन इकट्ठा हो गया था, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ हमने यहाँ पर देखे कि वो इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये माइनस 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 माइनस, और इधर ये प्लस, इससे ठीक है ना। तो ये डाइपोल इंट्रैक्शन जो है उसके थ्रू ये, तो ये क्या बनाया, ये हाइड्रेट बनाया क्योंकि हम वाटर मॉलिक्यूल था। लेकिन अगर यही वाटर मॉलिक्यूल की जगह अगर अमोनिया मॉलिक्यूल हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमोनेट, उसे हम क्या बोलेंगे, एमोनेट्स बोलेंगे। तो ये कई सारे एमोनेट्स बनाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो और यहाँ अमोनिया अगर आप ले लेते हो तो ये अमोनिया के दो मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना लेता है, ये SO2 हो जाएगा, और इसकी जो दो वैलेंस होंगी, एक ये ऑक्सीजन है ना, ये इसके साथ में अमोनियम, और यहाँ पर जो NH, क्योंकि ये सेल्फ आयनाइजेशन रखता है ना, तो एक NH4 देगा और एक NH2- देगा, तो ये इसके साथ में मिलकर के इस तरह से बनाएगा। इस तरह को इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, SO3 डॉट 2NH2, NH, ठीक है ना। तो ये अमोनेट है। इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप BF3 को लो और यहां पर अमोनिया के साथ में इसको ट्रीट कराओ तो ये BF3 डॉट, तो यहां पर ऐसा कोई बॉन्ड उस तरह से नहीं बनता, बट ये अपने लोन पेयर्स को लेकर के और दे करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बीच में बना लेते हैं और एक लिंकेज यहां पर जो होता है वो एमोनेट्स फॉर्म कर देता है, क्लियर। तो इस तरह से ये एमोनेशन जो रिएक्शन है उसे भी शो करते हैं। एक रिएक्शन ये है कि जो एमोनो एसिड्स हैं उसके साथ में भी ये रिएक्शन करते हैं। अमोनो एसिड्स कौन से होते हैं, अमोनो एसिड्स वो होते हैं जो NH4 प्लस आयन देते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि हम इनकी रिएक्शन को देखें, जैसे कि अलग अलग टाइप की रिएक्शन, जैसे मेटल के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, मेटल ले लो जैसे सोडियम ले लो, अब सोडियम के साथ में अगर हम अमोनो एसिड्स की रिएक्शन करवाएं इसके इस तरह से, तो ये अमोनो एसिड देगा, NH4 प्लस देगा और Cl माइनस देगा। ये अगर हमने इस सोडियम के साथ में रिएक्ट करवाया है तो यहाँ सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम आपको मालूम है Na+ प्लस, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा, तो इसका जो Na+ प्लस NH4 प्लस बनेगा उस वो और Cl माइनस, ये Cl माइनस इस Na+ प्लस के साथ में रिएक्ट करके और क्या बना लेगा, NaCl फॉर्म कर देगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे NH4 प्लस बन जाए रह जाएगा। अब NH4 प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ये बचे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसके दो मॉलिक्यूल ले लो और इस दो एटम और इसके दो मॉलिक्यूल ले लो तो यहाँ पर आपके पास में ये स्थिति हो जाएगी। तो आप ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये जो अमोनियम है ये एक H+ आयन को रिमूव कर देगा, ये इसको पकड़ लेगा, ऐसे ही जो दूसरा है वो, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, जो अमोनिया है वो तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, H दे करके अपना हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे करके, ठीक है ना, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके, ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो हाइड्रोजन बन गया, तो ये दो अगर एटम हो जाएंगे तो ये हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अमोनो एसिड्स की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, मेटल्स के साथ में कराएं, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप कोई दूसरा मेटल ले लो, जैसे मान लो कि कोबाल्ट ले लिया और कोबाल्ट के साथ में आपने रिएक्शन करवा दी किसकी, इसी के साथ में जो अमोनो एसिड है उसकी, तो यहाँ पर क्या होगा, वही CoCl2 होगा और वही अमोनिया बनेगी और हाइड्रोजन
गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं जब भी अमोनो एसिड्स के साथ में इसकी आप रिएक्शन करवाते हो, किसकी, मेटल्स के साथ। लेकिन अगर आपने मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड ले लिया, जैसे आपने मान लो कि Na की जगह NaO ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाई अमोनो एसिड्स के साथ में, तो ये अमोनो एसिड आपने सेम वही लिया, ठीक है ना, और लिक्विड अमोनिया तो ये है ही, ठीक है ना, यहाँ पे भी मैंने लिखना भूल गया, ठीक है ना, ये लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में आप इस रिएक्शन को करवा, तो अब होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पर होगा ये कि ये क्या करेगा, ये Na प्लस और O2, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, Na2O है, ठीक है ना, तो इस तरह से ये इस तरह से बनेगा, ये क्या करेगा, ये आपका NH4 प्लस और Cl माइनस बनाएगा, यहाँ पे भी इसके दो ले लो, तो ये दो बनेंगे, ये दो बनेंगे, तो ये दो Na प्लस दो Cl माइनस के साथ में टू NaCl फॉर्म कर लेते हैं। अब क्या बचा, दो अमोनियम और दो ऑक्साइड्स, ठीक है, अब ये क्या करेगा, दो H प्लस आयन दे देगा, दो H प्लस आयन दे देगा, तो ये क्या करेगा, वाटर बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में, और खुद के इसमें कन्वर्ट हो गया अमोनिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मेटल ऑक्साइड्स के साथ में अमोनो एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें डिजॉल्व्ड अमोनो एसिड्स मिलते हैं, मतलब कि वाटर फॉर्म होगा यहाँ, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही आप हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा सकते हो, ऐसी एक रिएक्शन होती है इनकी जिसको हम बोलते हैं प्रोटोलाइसिस। प्रोटोलाइसिस का मतलब होता है प्रोटॉन का टूटना वहां पे। तो अगर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन प्रोवाइड कर दे, मतलब किसी का प्रोटॉन निकाल ले, तो उसे हम बोलेंगे प्रोटोलाइसिस। जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन नहीं देते, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, एसिटामाइड, ये बताया था ना एसिटामाइड, ये एसिटामाइड वैसे तो क्या है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपने इसको अमोनिया के अंदर दे लिया, तो अमोनिया के अंदर लेने से क्या होगा कि ये इसका H+ आयन को निकाल देगा, ठीक है, और क्या करेगा ये इस तरह से जो है अमोनियम आयन फॉर्म कर दे। ऐसे ही अगर आप यूरिया ले लो, तो यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है NH2CONH2। अब इसकी टेंडेंसी तो बेस है, लेकिन यहां पर अगर हमने अमोनिया के सॉल्यूशन में इसको ले लिया, तो क्या होगा, ये बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास में है ना, तो बजाय प्रोटॉन लेने के प्रोटॉन दे देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है, मतलब ये इसका प्रोटोलाइसिस कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रोटॉन डोनेट किए जाते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, उसको हम प्रोटोलाइसिस बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस आप कर सकते हो। एक आप एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसे हम बोलते हैं कि सल्फामिक एसिड जो होता है आपका, इसको हम लिखेंगे NH2SO2OH। अब ये जो सल्फामिक एसिड है, सल्फामिक एसिड, अब ये जो सल्फामिक एसिड है, इसको अगर आप वाटर के साथ में डिसॉल्व करो या ट्रीट कराओ, या आप यहाँ पर अमोनिया के साथ में ट्रीट कराओ, जो लिक्विड अमोनिया आपने लिया है इसके साथ में, तो क्या होगा, ये अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पर ये मोनोबेसिक रिएक्शन करेगा, या मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। मोनोबेसिक क्यों करेगा, क्योंकि यह वाटर जो है वो एक वीक बेस है, वीक बेस होने की वजह से ये केवल एक ही इसके प्रोटॉन को निकलवा पाएगा, तो एक प्रोटॉन को निकलवा पाएगा, तो ये यहां से एक प्रोटॉन निकल लेगा और क्या हो जाएगा, ये NH2SO2O- और ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते। लेकिन अगर आपने यहाँ अमोनिया के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, तो एक प्रोटॉन यहां से और एक प्रोटॉन यहां से, ठीक है ना, यहाँ दो जगह से निकलेगा, इसलिए ये डाई बेसिक एसिड की तरह बिहेव करने लगता है और क्या बना लेगा, ये इस तरह से फॉर्म कर लेगा, ठीक है ना, और ये क्या बना लेगा, अमोनियम आयन, ये है ना। तो ये अब दो हैं, ये दो ले लिए हैं, क्योंकि दो प्रोटॉन निकले हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से, तो ये देखो ये डाई बेसिक हो गया, ये दो नेगेटिव चार्जेस आ गए इस पे, एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। तो वाटर के अंदर और अमोनिया ऐसा सॉल्वेंट हम लेते हैं, तो ये एक ही एसिड जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगता है, ठीक। इसी तरह से
ये अमोनो एसिड्स की रिएक्शन थी, इसी तरह से कुछ रिएक्शंस होती हैं जो ये अमोनो बेसिस जो हैं उसके साथ में रिएक्शन करता है, अमोनो बेसिस के साथ, अमोनो बेसिस, अमोनो बेसिस। तो बहुत सारे मेटल सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो अमोनो बेसिस के साथ में रिएक्शन करके क्या करते हैं, एमाइड्स देंगे या इमाइड्स देंगे, नाइट्राइड्स देंगे, ठीक है ना। और अगर उसमें सोडियम एमाइड मिलाया जाए तो उसके अंदर वो डिजोल्व हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट और अमोनो बेस को मिलाने पर एक सॉल्ट बनता है। जैसे यहाँ पर एक सॉल्ट ले लिया आपने, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और इसकी रिएक्शन करवाई आपने एन के एनएच टू के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया लेकर के। अब यहां पर क्या होगा, ये एजी प्लस और इसका एनएच टू माइनस, ये एजी प्लस और एनएच टू माइनस क्या बना लेंगे, सिल्वर एमाइड बना लेगा, सिल्वर एमाइड, और इसका प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा। और ये जो के प्लस है वो इस NO3 के साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। तो ये तो इसका सॉल्यूशन बना लेगा इसके साथ सॉल्ट का, लेकिन ये जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये अमोनो बेसिस के साथ में रिएक्शन है। इसी तरह से अगर आप लेड आयोडाइड ले लो और इसको आप वही सेम, या NH2 के साथ में और अमोनिया की प्रेजेंस में, या अमोनिया एज अ सॉल्वेंट लेकर के करते हो तो क्या होगा, अब ये दो एच प्लस आयन निकलेंगे, ठीक है ना, इसलिए आपको यहाँ पे ये दो एन ए प्लस लेंगे, है ना, तो ये क्या बना लेगा, टू एन ए आई फॉर्म कर लेगा। अब और क्या बचा, Pb2+ बचा और साथ में NH2 बचा, ठीक है ना। तो Pb2+ क्या करेगा, इस NH माइनस में से एक प्रोटॉन को और निकाल देगा तो NH बचेगा, तो ये बना देगा Pb NH, और ये जो एक प्रोटॉन यहां से निकला है वो इसके साथ में, सॉरी दो मॉलिक्यूल यहां पर, हम ये दो है ना, इसको ये दो, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, NH3, ठीक। तो इस तरह से ये नाइट, ये क्या बना गया, ये इमाइड बन गया, ये एमाइड था, ऐसे एजाइड बन सकता है। अगर आप यहाँ पर बिस्मिथ आयोडाइड ले लोगे तो इमाइड बन जाएगा, तो सॉरी नाइट्राइड बन जाएगा। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस एमोनो बेसिस के साथ में, ऐसे ही ये रिएक्शंस देते हैं आपके एसिड्स और बेसिस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम देखें वाटर के केस में, तो एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन अगर रिएक्शन करते हैं और वाटर बनाते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और अगर हम अमोनिया के केस में देखें, तो अगर अमोनियम आयन और एमाइड आयन अगर आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम उसे बोलेंगे कि वो भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या एसिड बेस रिएक्शन है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्राइड ले लिया हमने और यहाँ पे पोटेशियम एमाइड ले लिया, और इसको हमने अमोनिया एज अ सॉल्वेंट के मीडियम में, अमोनिया मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये अमोनियम और ये एमाइड, ठीक है ना, और ये पोटेशियम और नाइट्राइड ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ये बना लेगा, और अमोनियम और एमाइड ये बन जाएंगे। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों फिर क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना ले, मतलब सॉल्वेंट बना लेते हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि एसिड बेसिस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एसिड और बेस जब मिलता है तो हमेशा बनता है सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट। जैसे हम पानी में अगर मिलाते थे ना एच, हम बोलते थे कि साहब HCl और NaOH, एक एसिड है और एक बेस है, इसको जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, NaCl और वाटर, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट बन, तो यहां पर भी क्या बन रहा है, ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है, और ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। तो ये जो एसिड और बेसिस मिलकर के सॉल्ट एंड सॉल्वेंट बनाते हैं, तो ये रिएक्शंस, इस तरह की रिएक्शंस अमोनिया भी देते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस,
अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है? अमोनोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बताई थी आपको, हाइड्रोलाइसिस क्या होती थी? हाइड्रोलाइसिस के अंदर जो सॉल्वेंट है वो ब्रेक हो जाता था और अपने आयंस में, और या तो इसके दोनों आयंस या इसका एक आयन सॉल्यूट पार्टिकल के साथ में अटैच हो जाते हैं या सॉल्यूट के साथ में अटैच हो जाते हैं। तो यहां क्या होगा? यहां पे भी इसका सेल्फ आयनाइजेशन होगा अमोनिया का, और अमोनियम और एमाइड आयन फॉर्म कर देगा। तो ये तो हो गया इसका ब्रेकिंग, अमोनोलाइसिस। ये तो सॉल्वेंट ब्रेक हो गया अमोनियम आयन और एमाइड आयन में। अब ये जो दोनों जो बने हैं, या तो ये दोनों या कोई एक क्या करेगा, अटैच हो जाएगा किसके साथ? जो भी सॉल्यूट आप लोगे उसके साथ। तो मान लो कि हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, कि सल्फोनिल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम अमोनिया के साथ में ट्रीट कराते हैं, अमोनिया के साथ। तो होगा क्या? मान तो ये यहां पर एमाइड जो बनेगा इसका, ये जो एमाइड बना रहा है यहां पे, एमाइड और एच प्लस, ठीक है ना। अभी हमने एक लिया है तो जस्ट बता रहा हूं। तो ये जो सल्फोनिल ग्रुप जो बना है इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सल्फोनिल जो होता है वो क्या होता है? SO2 2 प्लस। तो SO2, ये NH2 जो है वो इसके साथ में अटैच हो गया। और ये जो एच प्लस आयन बचा है, ये दो बन मान लो दो लेते हैं, तो ये अमोनियम बना लेगा। अब ये दो क्लोराइड है तो यहाँ पे दो की जगह यहाँ चार ले लें, ठीक है ना। तो ये दो हो जाएंगे, ठीक। और ये क्या कर लेगा? ये यहाँ पे दो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो इनऑर्गेनिक कोवेलेंट हैलाइड्स होते हैं वो अमोनोलाइज होते हैं, बट जो इनऑर्गेनिक हैलाइड्स होते हैं वो नहीं होते। जैसे इनऑर्गेनिक हैलाइड्स में अगर हम बात करें, जैसे कि Hg2Cl2 अगर हो, या आपके पास में टिन हैलाइड्स हो, ठीक है ना, तो ये जो है वो कंप्लीटली एमोनोलाइज नहीं होते। ये एमोनोलाइसिस जो रिएक्शन है वो नहीं देते, या कंप्लीट रिएक्शन नहीं देते। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड अगर आप ले लो, तो ये एक साथ नहीं देंगे, पार्ट्स में देंगे। और ये जो है ये भी पूरे नहीं देंगे, ये एक देंगे। जैसे इसका केवल एक ही क्लोराइड निकले, इसका केवल एक ही हैलाइड निकलेगा और बाकी जो है वो एज इट इज रहे। जबकि यहां पर क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, दोनों क्लोराइड जो है वो अलग हो गए और सल्फोनिल ग्रुप अलग हो, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट देते हैं जो कोवेलेंट हैलाइड्स होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक हैलाइड्स होंगे वो कंप्लीट एमोनोलाइसिस नहीं देंगे, ठीक बात। इसी तरह से इसकी और अगर रिएक्शन देखें तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स तो आप जानते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इतने टाइम से हमने पढ़े, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो इनसॉल्युबल मेटल एमाइड्स हैं या इमाइड्स हैं या नाइट्राइड्स हैं, वो जो सॉल्ट है के, तो जैसे पोटेशियम एमाइड ले लो, उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं लिक्विड अमोनिया के केस में, और सॉल्युबल एमिनो सॉरी एमाइडो कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। जैसे कि उसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लो, जैसे जिंक एमाइड हमने ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने कराई के NH2 के साथ में, किसकी प्रेजेंस में? अमोनिया के मीडियम में या अमोनिया के प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा? ये आपको मालूम है, ये इसके दो ले लो तो ये 2K+ बना लेगा और एमाइड बना लेगा, ठीक है। ये यहां क्या करेगा? ये जो एमाइड्स गए हैं, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उसको ये एज अ लिगेंड यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना। तो ये NH2 यहाँ पे दो थे, ये दो और आकर के एज अ लिगेंड काम आ जाएंगे। अब इस पर पहले तो कोई चार्ज था नहीं, सिंगल था। अब यहाँ पे दो निगेटिव आयन और आ गए, ये दो माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो दो माइनस चार्ज है